नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया, उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, बेल आइकन पे भी क्लिक करना है, यानी जो भी मेरी नई वीडियो होगी आपके मोबाइल में पहले आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं डबल कटोरी की ब्लाउज की स्टिचिंग और पैटर्न के साथ, दोनों साथ में बताने वाले हैं। वीडियो लंबा होगा तो प्लीज एंड तक वीडियो देखना है। अभी आगे का पार्ट पहले ज्वाइन करना है, कौन सा पार्ट लगता है इसको स्लीव्स और बैक साइड साइड में रख लेते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है आगे का पार्ट। अभी आगे का पार्ट कैसे लेना है वो बताना है दोस्तों आपको, बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे फ्रंट साइड इसको ऐसे लेना है, ये कट, ये स्लीव्स यहाँ पे कटोरी जहाँ पे हमारा राउंड होता है वहां पे पहले से लगा लेना है। जो नए लोग होते हैं ना उनके लिए खास करके टिप ध्यान देना है। और ये कटोरी और ये हमारा पार्ट। ओके, इसी तरह अभी ये पार्ट हम थोड़ा साइड रख लेते हैं। पहले हम लोग इसको साइड रखना है, पहले हम कटोरी ज्वाइंट कर लेते हैं। इसी तरह से जो ये पार्ट होता है छोटा वाला और ये बड़ा वाला, यहाँ पे गोल राउंड में आना चाहिए और छोटा वाला यहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इसको ऐसे राउंड में स्टिच करते जाना है। कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं दोस्तों, आप कपड़ा खींचोगे फिर आपका ब्लाउज खराब भी हो जाएगा। तो जैसे वैसे हम इसको रखते जाना है, इसी तरह से इसको स्टिच करते जाना है दोस्तों। और हल्के हल्के हाथों से राउंड राउंड देते जाना। ये गीता लेडीज टेलर की कटिंग है दोस्तों। जिन लोगों को भी लेना होगा गीता लेडीज टेलर की कटिंग, तो अभी वेबसाइट में खुल गई है, अभी देख लो इसी तरह से। ओके, जिन लोगों को गीता लेडीज टेलर की कटिंग लेनी होगी ना, तो वेबसाइट हमारी ओपन हो गई है और वेबसाइट का नाम है लैकोज, वहां से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। और इसी तरह से डबल हमने सिलाई मार ली हुई है। अभी यहाँ पे हम लोग ऐसे करना है, पहले कटोरी परफेक्ट बना लेनी है हमें यहाँ पे। इसी तरह से आगे पीछे कर लेना है। देख रहे हो कटोरी हमारी डबल कटोरी की, ये गीता लेडीज कटिंग का बता रहे हैं, परफेक्ट। अभी हम यहाँ पे स्लीव्स सॉरी कटोरी ज्वाइंट करने वाले हैं। जो भी हल्का उल्का होगा यहाँ पे हम लोग इसी चटाई कर लेनी है, हल्की सी करना है, ज्यादा नहीं। वैसे तो मैंने राउंड दिया हुआ है इसी तरह से। अभी यहाँ पे नीचे से हम लोग कटोरी ज्वाइन करना है दोस्तों। मेरा और एक चैनल है गीता फूडीज करके, अभी नया चैनल लॉन्च हुआ है। प्लीज जैसे गीता लेडीज टेलर को आगे बढ़ा, वैसे गीता फूडीज को भी आगे बढ़ाना है। इसी तरह से हमें जैसे नॉर्मल कटोरी हम लोग कैसे ज्वाइन करते हैं वैसे इसको ज्वाइन करना है। कपड़ा खींचना थोड़ा भी नहीं है, मैं इस बार बता, कपड़ा खींचोगे ना तो आपकी कटोरी अच्छी नहीं आएगी, फ्लैट हो जाएगी। और जिनके पास गीता लेडीज कटिंग हो तो प्लीज ऐसे ही मैं जैसे सिल रहे वैसे ही सिलना है। और डबल सिलाई मार देते हैं क्योंकि मजबूती हमारी बनी रहेगी इसी तरह से। ओके, अभी हम इसको ऐसे करना है, सिलाई को नाखून से थोड़ा प्रेस करना है, यानी फिनिशिंग बनी रहेगी। देख रहे हो इसी तरह से। अभी हल्के से हम यहाँ पे हल्की सी छटाई करेंगे, हल्की सी यानी राउंड हो जाएगा, हल्की सी करना है बस। अभी यहाँ पे हम लोग क्रॉस पट्टी लगाएंगे इसी तरह से, यहाँ से क्रॉस पट्टी लगानी है, यानी क्रॉस पट्टी का शेप भी हमें अच्छा आना चाहिए, आड़ा टेढ़ा आना नहीं चाहिए। दोस्तों सिलना बहुत आसान तरीका है, हार्ड नहीं है, खाली बस आना चाहिए। इस वीडियो देख को आप सिलोगे ना, आपको क्लास भी लगाने की जरूरत है, फिर मेरा वीडियो देखना है और कपड़े घर पे सिलना है ब्लाउज। और जिन लोगों को कटिंग आती नहीं होती, गीता लेडीज टेलर रखनी है कटिंग और सिर्फ ब्लाउज सिलना है बस। अभी ये देख रहे हो इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हम इसी सेम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट सिल लिए है दोस्तों, आप देख रहे हो इसी तरह से। ओके, अभी इसको साइड ले लेंगे, अभी हुक पट्टी लगा लेंगे, 2 इंच का कपड़ा मैंने कट किया था वो लगा लेना है इसी तरह से पूरा स्ट्रेट। ये आई पट्टी हुक पट्टी बता रही हूँ मैं आपको। इसी तरह से हाँ दोस्तों, मेरा और एक चैनल है गीता फूडीज, प्लीज जैसे गीता लेडीज टेलर को सपोर्ट किया वैसे गीता फूडीज को भी सपोर्ट करना है।
अब इसको हम लोग ऐसे फोल्ड कर लेना है कवर सिलाई, देख रहे हो, इसी तरह से कोने में सिलाई मारते जाना है। इसी तरह से अभी आप ऐसे कोने कोने में हम सिलाई मार देंगे, देख रहे हो कितनी परफेक्ट कटोरी हमारी ये आ गई है। अभी हम लोग आई पट्टी बताएंगे, इसको साइड रखेंगे। अभी यहाँ पे मेन फैब्रिक ले लिया है, नीचे अस्तर है और ऊपर कपड़ा है, तो इसको हम लोग ऐसे रखना है, तो इसके इसके ऊपर रखना है, तो इसको सीधी सी सिलाई मार लेनी है इसी तरह से। आगे पीछे देख लेना है परफेक्ट। अभी इसको हम लोग ऐसे निकालना है और एक इंच जैसे हमें कट ये आगे निकालना है इसी तरह से करके, इसको हमें इसी तरह से करना है, देख रहे हो इसी तरह से, यानी ये हमारी होगी आई पट्टी। इसको कोने में सिलाई मारते जाना है। ब्लाउज सिलना बहुत ईजी है दोस्तों, खाली थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं तो मेरा वीडियो देख के सिलोगे तो 100% बोल के आपको परफेक्ट यानी परफेक्ट ब्लाउज आ जाएगा। इसको हम लोग डबल सिलाई मार देते हैं, यानी मजबूती बनी रहेगी परफेक्ट। अभी हम लोग नेक्स्ट बताते हैं क्या करना है। दोनों परफेक्ट आ गए हैं, ओके। अब इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग नेक बताना है कितना लेना है। अभी यहाँ पे हमारी क्रॉस पट्टी होगी 3 की, तो आधा इंच बढ़ाएगी 3.5, ये परफेक्ट हो गया ये। और नेक हमारा होगा 3.5, 4 का है तो 4.5 ले लेंगे, आधा इंच ऊपर। तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 का तीरा देंगे, ये एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा दिया हुआ है गीता लेख टेलर कटिंग का, तो आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होगी, खाली 19-20 यहाँ पे छटाई करनी है बस, जैसे मैं कैसे कर रही हूँ छटाई वैसे करना है। जहाँ पे हमारे यहाँ फुगा वगैरह कुछ आएगा नहीं, यहाँ पे हल्का सा हमें यहाँ पे राउंड दे देना है इसी तरह। अभी हम इसको कट कर लेते हैं, ये मेन चीज है दोस्तों, ये फॉलो करने की, एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है हमारा गीता लेख टेलर कटिंग का, इससे क्या आपका ब्लाउज बिगड़ेगा भी नहीं और परफेक्ट आई भी जाएगा। जो एक्स्ट्रा यहाँ से भी हम लोग कट कर लेते हैं, इसी तरह से, ओके। देख रहे हो कटोरी कितनी परफेक्ट। अभी यहाँ पे हम लोग क्रॉस पट्टी से, क्रॉस पट्टी यहाँ पे रखनी है जहाँ पे हमारी क्रॉस पट्टी होती है, इसको यहाँ पे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे हम लोग इसे निशानी कर देंगे, ये परफेक्ट इसी तरह से। इसको भी हम लोग कट कर लेते हैं। अभी वहाँ पे 2 लिया था, अभी यहाँ पे हम लोग 2.5 लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे 1 इंच बढ़ गया, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 2.5 का तीरा लेंगे। पट्टी होती है ना हमारी आई पट्टी, 2.5 ध्यान में रखना है, और इसको ऐसे हल्के से राउंड दे देना है, हल्का सा गोल शेप दे देना है, हल्का सा। इसको कहते हैं छटाई, ओके। अब यहाँ पे रखेंगे, देखो परफेक्ट नेक हमारा हो गया है डबल कटोरी का। अभी यहाँ पे हम लोग पाइपिंग लगा देंगे, जैसे नॉर्मल ब्लाउज में हम कैसे पाइपिंग लगाते हैं वैसे ही लगाना है, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। मैंने चौकोर गला कट कर लिया है, पहले हम यहाँ पे टक्स पॉइंट लगा लेंगे। कभी बैक साइड सिलना हो तो पहले टक्स पॉइंट ही लगाना है हमें इसी तरह से, दोनों तरफ हमें इसे टक्स पॉइंट लगा लेना है 4.5 की दूरी पे। और इसको इसे नाखून से प्रेस कर लेना है। अभी हम इसको इसी तरह से रखेंगे परफेक्ट। हम ये पे लेस डिजाइन बनाने वाले पैटर्न, जिसके आपको लैपोज में मिल जाएगी लेस हमारी। अभी यहाँ पर हम लोग ऐसे करेंगे, इसी तरह से 1-1 इंच की दूरी पे, तीन लेयर करेंगे। ओके,
देख रहे हो इसी तरह से। अभी यहाँ पर हम इसको ऐसे छपाई देंगे, यानी एक जैसा हमारा लेवल आ जाएगा, आड़ा टेढ़ा आएगा नहीं। कोने में कोने देख लेना है हमें, इसे थप थपा देना है, यानी एक जैसे आ गए। ओके, हल्के हल्के हाथों से इसको निशानी मार देंगे, यानी हमें शेडो दिख जाएगा इसी तरह से। अभी यहाँ पर हम लोग लेस लगवाएंगे। जैसे कि आपको गोल्ड लेना होगा लेस, तो लैपोज में मिल जाएगा, वेबसाइट का नाम है लैपोज, वहाँ पे आपको गोल्डन में बहुत सारी डिजाइन मिलेगी। 250 में मैं 18 मीटर दे रहे, 5 बंडल। तो यहाँ पे हमने लेस ले ली है, इसको हमने ऐसे लगवाना है, और सिलाई का टाका थोड़ा बड़ा ही चाहिए, छोटा टाका नहीं रहे तो फिर हमारी लेस खींच जाएगी। और लेस कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं, जैसे वैसे ही लगाते जाना है। सिंपल डिजाइन पर दिखने में बहुत बढ़िया लगती है, जब ब्लाउज पहनते हो ना तो बहुत बढ़िया दिखते है, लाजवाब। मैंने पूरी लेस लगा ली है दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे डिजाइन करेंगे इसी तरह से। इसको ऐसे रखना है, ये जहाँ पे राउंड दिख रहा है वहां पे हमें ऐसे करना है, इसको हमें ऐसे करते जाना है। दोस्तों देख रहे हो, दिखने में बहुत सुंदर होती है डिजाइन, और सिंपल भी है और अच्छी भी दिखती है। एक एक इंच की दूरी पे हमें करना है, ये वाली 1 इंच दूरी, इसी तरह सारे हम लोग लगा लेते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। अभी यहाँ पे मैंने पूरा पाइप पैटर्न लगा लिया है, तो जो लेस देख रहे हो यहाँ पे मैंने डबल लेस लगा दी हुई है इसी तरह से, देखा ना एकदम सिंपल और एकदम अच्छी डिजाइन है। अभी यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे करेंगे और शोल्डर कट कर लेना है। मैं लास्ट में ही शोल्डर कट करती हूँ, पहले शोल्डर कट नहीं करती हूँ, परफेक्ट पहले देख लेना है, कोना से कोना लेना है इसी तरह से, 5 इंच कट करना है और क्रॉस में कट करना है इसी तरह से। इसको भी हम सेम ऐसे ही कर लेंगे, देख रहे हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कम ज़्यादा हम लोग शोल्डर रखते हैं, क्योंकि बाद में हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कभी गलती से कुछ हो गया तो हम लोग क्या अच्छी तरह से कर सकते हो, कम कपड़ा गिरा तो फिर कर नहीं सकते हम लोग इसी तरह से। ओके, अभी हम इसको शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं, शोल्डर टू शोल्डर। इसी तरह से दोनों शोल्डर ज्वाइंट ऐसे ही कर लेते हैं। मैंने 1.5 इंच जैसी पट्टी कट कर ली, इसको अपोजिट ऐसे करना है, ये पाइपिंग पट्टी है दोस्तों, क्रॉस में हमें इसी सिलाई मारनी है, इससे एकदम स्ट्रेट आ जाती है पट्टी, देख रहे हो इसी तरह से। अभी यहाँ पे हम लोग हल्के से थोड़ा सा लेना है सिलाई में, 1/2 इंच जैसा पूरा ही सिलाई मारना है, 1/2 इंच, सिर्फ 1/2 इंच। ऐसे तो मेरा हर वीडियो में मेरी पाइपिंग होती है, तो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगी, इसे पूरी सिलाई मार लेते हैं। यहाँ पे मैंने पूरी सिलाई मार ली है, देख रहे हो इसी तरह से। अभी यहाँ पे हम लोग ब्लाउज ले लेंगे, इसी तरह से ब्लाउज ले लेना है। अभी पाइपिंग लगा लेते हैं, और कपड़ा थोड़ा भी मैं यहाँ पे खींचना नहीं है दोस्तों। ऐसे तो मैंने बहुत यानी बहुत सारे वीडियो डाले ब्लाउज के, प्लीज वो भी देख लेना है आपने, किसके साथ है, इसको आगे पीछे कर लेना है, और कपड़ा हमें थोड़ा भी खींचना नहीं है इसी तरह से। देखो मैं कैसे हाथ गोल घुमा रही हूँ पाइपिंग के लिए। यहाँ पे हमारा
चौकोन है तो यहाँ पे प्लीज ध्यान देना मैं कैसे करती हूँ। फोल्ड थोड़ा नीचे जाना है हल्का, इसी तरह से यहाँ पे इसे सुई दबा देनी है और इसको हमें ऐसे स्ट्रेट कर लेना है। इसी तरह से यानी आपकी चौकोन पाइपिंग आ जाएगी, इसको ऐसे करना है, वैसे कपड़े को घुमाते जाना है यानी चौकोन में। इसी तरह पूरी सिलाई मार लेते हैं। यहाँ पे मैंने पूरी पाइपिंग की लगा ली यानी कि सिलाई मारी हुई, यहाँ पे जो कोना है वहाँ पे कट करना है हमें सिर्फ, यानी हमारा चौकोन दिखेगा। इसी तरह से यहाँ पे जो राउंड है हमारा वहाँ पे कट मारना है, आधा आधा इंच पे गोल राउंड है वहाँ पे ही मारना है और सिलाई को छोड़ के मारना है इसी तरह से। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग पाइपिंग दोरा ले लेते हैं इसी तरह से। इसको ऐसे लगाना है, पाइपिंग दोरा ऐसे फोल्ड करना है और इसको ऊपर से कवर कर लेना है, इसको ऐसे कर लेना यानी हमारी। और यहाँ पे हम लोग बूट वगैरह चेंज करते नहीं, जो बूट है हमारा वही लगाएंगे। आगे पीछे कर लेना है थोड़ा, इसी तरह से पाइपिंग लगाते जाना है हमें। पाइपिंग लगाना बहुत आसान है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी हमारी जैसे आपकी पाइपिंग आएगी दोस्तों। देख रहे हो परफेक्ट। अभी मेन बताएंगे हम चौकोन में, चौकोन में कैसा किया जाता है। मेन वही है हमारा गोल, इसी तरह से हमें यहाँ पे चौकोन में लगाना है दोरा, थोड़ा अंदाजा लेना है और इसे हमें यहाँ पे सुई से दबा देना है और इसको हमें ऐसे करना है। इसको हमें दोरा लेना है और इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे करते जाना है, इसको हल्के से ऐसे क्रॉस लेना है। देख रहे हो मेरे हाथों से देख लेना है, यानी ट्रायंगल शेप अच्छी तरह से आ ही जाता है। इसको भी ऐसे दबा देना है और इसको ऐसे कर करना है सेम। और कपड़ा थोड़ा भी हमें यहाँ पे खींचना नहीं है, इसको ऐसे लेना है यानी ये ट्रायंगल शेप अच्छी तरह से आ जाता है, कोना स्क्वायर कोना। अभी मैं इसी पूरी सिलाई लगा लेते हैं। आप देख रहे हो किसी पूरी लगा ली, कोना भी परफेक्ट आ गया जो मेनी कोना हमारे होता है इसी तरह से। अभी यहाँ पे आपको उल्टा करके बताएंगे, यहाँ पे हल्का सा नॉचिस लगाना है सिर्फ हल्का सा बस। और यहाँ पे हम लोग डबल सिलाई मार लेना है, इससे क्या कि हमारी पाइपिंग ऐसी आएगी नहीं, इसके नाप से डबल सिलाई में मारना है। एक जैसे ही मार के इसे जाना है हमें। अभी यहाँ पर मैंने डबल सिलाई मार ली, आप देख रहे हो। अभी यहाँ पे आपको लगा होगा यार ये कितना ज्यादा है ना, देख रहे हो ये शोल्डर कितना आगे का कम है और पीछे का ज्यादा है। टेंशन लेने का नहीं, अभी हम इसका कट करेंगे ब्लाउज। अभी मेन फिटिंग हमारी यानी हमारा लेंथ कितना है, 9 है तो हम लोग यहाँ पे 9.5 ले लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें कट कर लेना है, इसको ऐसे रखना है और ये शोल्डर टू शोल्डर कवर करना है, सिलाई टू सिलाई इसको ऐसे करना है, अच्छी तरह से रख लेना है। इसमें गाई गड़बड़ करनी नहीं, तो से मेन हमारी कटिंग है अभी छटाई, जिससे कि आपका ब्लाउज का फुगा करली वगैरह कुछ आएगा नहीं। जो है यहाँ पे हम लोग निशानी इसी तरह से, शोल्डर हमारी कितनी है 2.5, तो 2 का लेने वाले यहाँ पे हम लोग 2.5 ले लेते हैं। छोटा शोल्डर चाहिए वाला या आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा से 2.5 होता है, 2 होता नहीं, पर जिसका मैं इसीलिए उसको 2 का शोल्डर चाहिए कम वाला। तो इसको हल्के से हम लोग राउंड दे देते हैं इसी तरह से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको ऐसे कट करना है।
अब ये एक्स्ट्रा शोल्डर हमारा कट हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग 9.5 लिया था, अभी यहाँ पे हमें 9.5 ही लेना है, यानी जो आपके आगे पीछे ब्लाउज होता है वो आएगा नहीं। बहुत सारे जने का आगे पीछे ब्लाउज होता है, आगे का पार्ट कम होता है, कभी पीछे का पार्ट ज्यादा हो जाता है, तो इस तरीके से करोगे तो आएगा नहीं। ये मेरा कटिंग का मैं बता रही हूँ। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने भी मेरी कटिंग ली तो प्लीज मुझे कमेंट करना है, इसको ऐसे परफेक्ट रख लेना है। इसको भी हम लोग निशानी करेंगे इसी तरह से, शोल्डर टू शोल्डर परफेक्ट देख लेना है, घाई गड़बड़ नहीं करनी इसके अंदर। अभी यहाँ पे हल्का सा हम लोग राउंड, इससे हमारे यहाँ पे फुगा कर लिया आता है ना, वो आएगा नहीं। इस तरीके से करने, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ही लिया था। अभी यहाँ पे मैंने पूरी कटिंग कर ली, देख रहे हो एकदम परफेक्ट आ गया ये। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसी तरह आगे पीछे कुछ हुआ ही नहीं है इसी तरह से। अभी यहाँ पे हम लोग स्लीव्स लगाना है और फिटिंग और कमर पट्टी, बस ये तीन चीज ही करना है। इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया था दोस्तों, मैंने इसका मेन पार्ट आपको बताया हुआ है। ओके, देख रहे हो पैटर्न भी कितना परफेक्ट आ गया है, मैं आपको ऐसे करके बता देती हूँ इसी तरह से। अभी खाली स्लीव्स और फिटिंग और कमर पट्टी लाए, बाकी कुछ नहीं। इसका वीडियो अपलोड किया है तो मुझे लग रहा है वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना ना भूलना है। धन्यवाद दोस्तों।